हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो हम लोग देखेंगे जो बीसीसी के द्वारा जो मॉपअप काउंसलिंग हो रहा है उसके रिगार्डिंग कि 11 दिसंबर 2021 के मॉपअप काउंसलिंग होने के बाद किस कॉलेज में कितना सीट वैकेंट बचा हुआ है। ठीक है, यूजीसी 2021 मॉपअप काउंसलिंग वैकेंसी रिपोर्ट आफ्टर काउंसलिंग हेल्ड ऑन 11 दिसंबर 2021, जो कल जो काउंसलिंग हुआ है 11 दिसंबर 2021 को, उसको होने के बाद किस कॉलेज में ब्रांच वाइज कितना सीट है, किस कैटेगरी का कितना सीट है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपका काउंसलिंग आज है 12 दिसंबर 2021 को, तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगा कॉलेज चूज करने में और ब्रांच को चूज करने में। ठीक है, तो हम लोग पहला कॉलेज देखते हैं बीसी भागलपुर। बीसी भागलपुर में जो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है, इसमें आपका सिर्फ एससी का एक सीट खाली है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें भी एक सीट खाली है इसी एससी कैटेगरी का। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका 5 सीट खाली है बीसी भागलपुर में। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का इसमें भी क्या 5 सीट खाली है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो है वह 9 सीट खाली है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज एमआईटी मुजफ्फरपुर। एमआईटी मुजफ्फरपुर में आपका सिविल इंजीनियरिंग का 1 सीट खाली है, लेजर टेक्नोलॉजी का 8 सीट है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो है वह 6 सीट है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज जीसी गया। जो गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, इसमें सिविल इंजीनियरिंग का जो है 3 सीट खाली है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 1 सीट खाली है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का 6 सीट खाली है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 7 सीट खाली है। तो अपना कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके कैटेगरी में कितना सीट खाली है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं एमसी मोतिहारी। जो मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, उसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से 4 सीट खाली है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 11 सीट खाली है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 13 है, सिविल इंजीनियरिंग का जो है 1 सीट है, कंप्यूटर साइंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो है वह 13 है। नेक्स्ट आपका है जीसी दरभंगा का। जो दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, उसमें सिविल इंजीनियरिंग का 1 सीट है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 2 है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 4 सीट वैकेंट है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 9 सीट वैकेंट है। तो जो 11 दिसंबर 2021 को जो काउंसलिंग हुआ है मॉपअप, उसके बाद जो है इस कॉलेज में इतना सीट खाली है। ठीक है, तो अगर आपका काउंसलिंग आ जाए तो आप अच्छे से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नेक्स्ट है नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इसमें जो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है, इसमें जो आपका जो 3 सीट अभी वैकेंट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच में 1 सीट है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 सीट है और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है इसमें 4 सीट खाली है। ठीक है, नेक्स्ट छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज। इसमें जो सिविल इंजीनियरिंग है, इसमें 5 सीट खाली है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 2 सीट है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 8 सीट खाली है और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसमें 13 सीट वैकेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है सिविल इंजीनियरिंग। जो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है बीसी बख्तियारपुर का, उसमें आपका 2 सीट वैकेंट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी 2 सीट है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 1 सीट है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है उसमें 5 सीट खाली है बीसी बख्तियारपुर में। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं सीतामढ़ी। एसआईटी सीतामढ़ी में जो है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच, उसमें 4 सीट वैकेंट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 1 सीट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 11 सीट है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 35 सीट है। ये सब न्यू कॉलेज है, इसलिए जो है इसमें इतना सीट खाली है अभी तक। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो है 35 सीट खाली है। बेगूसराय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है, उसमें 2 सीट वैकेंट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 2 सीट है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 11 सीट है। ठीक है, हम टोटल सीट वैकेंट बतला रहे हैं, आप अपना कैटेगरी के हिसाब से भी यहाँ पे देख सकते हैं कि ईबीसी का 1 है, जनरल का 1 है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बेगूसराय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से अगर मैकेनिकल ब्रांच से करना चाहते हो तो 34 सीट खाली है। ठीक है, सासाराम कॉलेज ऑफ जो है इसमें सिविल इंजीनियरिंग में जो है वह 1 सीट खाली है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 4 है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 11 सीट है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो है 27 सीट खाली है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है मधेपुरा। मधेपुरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है इसमें सिविल इंजीनियरिंग में 8 है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 4 है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 14 है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 43 सीट खाली है। ठीक है,
नेक्स्ट कटिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसमें जो आपका जो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है उसमें 4 सीट वैकेंट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 7 सीट है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 15 सीट है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो इसमें 48 सीट खाली है। ठीक है, इसी तरह आप पूर्णिया का भी देख सकते हैं कि जो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है उसमें 2 है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है इसमें 1 सीट खाली है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 14 सीट खाली है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में 12 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 35 है। अगर आप मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में तभी सीट जो है बहुत ही खाली है। ठीक है, अदर ब्रांच जैसे कंप्यूटर साइंस से करना चाहते हैं इसमें बहुत ही कम सीट अभी बाकी है, तो इसको आप अच्छे से देख के एडमिशन लें। ठीक है, नेक्स्ट पूर्णिया हो गया, आप यहाँ पे देखिए सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसमें देखिए सिविल इंजीनियरिंग में 6 है, इलेक्ट्रिकल में 27 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 9 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 51 सीट खाली है। ठीक है, उसी तरह आप सुपौल का देख सकते हैं, 5 है, 2 है, इलेक्ट्रिकल में 14 है और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में 8 है और मैकेनिकल में 29 सीट खाली है। बांका कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग क्या देख सकते हैं, इसमें 11 सीट है, सिविल का, कंप्यूटर का 5 है, इलेक्ट्रिकल का 42 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का 40 है और मैकेनिकल का 56 है। ये सब न्यू कॉलेज, इसमें क्या है मैक्सिमम सीट जो अभी वैकेंट ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली, इसमें 2 सीट खाली है, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का 32 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का 20 सीट खाली है। ठीक है, तो आपने जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपका ब्रांच में कितना सीट अभी बाकी है एडमिशन के लिए। ठीक है, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से देखिए 56 सीट खाली है वैशाली में, सिविल इंजीनियरिंग में 14 है, इलेक्ट्रिकल में 53 सीट खाली है, जमुई का है। ठीक है, और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जमुई का वो 58 सीट खाली है। इसी प्रकार आप नवादा का देख सकते हैं। ठीक है, तो आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसी प्रकार से आप देख सकते हैं, सारा जो डेटा है इसमें दिखाया गया है कि किस कॉलेज में अभी तक कितना सीट बाकी है 11 तारीख को काउंसलिंग होने के बाद। ठीक है, तो आप आराम से देख सकते हैं। देख लीजिए मुंगेर का है, चंपारण का है, औरंगाबाद, कैमूर, आप अच्छे से देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि किस कॉलेज में कितना जो है किस ब्रांच में खाली है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मधुबनी का है, अरवल, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर का है, शेखपुरा, लखीसराय। ठीक है, अभी जो है कैलकुलेट कीजिएगा तो टोटल सीट जो अभी वैकेंट है वह 4375 सीट जो है अभी टोटल बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी तक वैकेंट ही है, जिसमें जनरल का 1692 सीट खाली है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल डेटा इवेंट्स है। अगर आपका आज काउंसलिंग है तो आप अच्छे से इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। या प्राइवेट कॉलेज में देखिए अभी 625 टोटल सीट खाली है, भागलपुर सब प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यही था कि आपको जो 11-12 तारीख 11 दिसंबर 2021 को काउंसलिंग होने के बाद किस कॉलेज में कितना सीट वैकेंट है। ठीक है, अगर आपका आज काउंसलिंग है तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।